मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसान के समर्थन में किसान पदयात्रा निकलने के ऐलान पर मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी नेताओं को पुलिस ने किसान पदयात्रा निकालते समय हिरासत में ले लिया। सपा नेताओं को सपा कार्यालय कर पास रमई पट्टी इलाके से पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए सभी सपा नेताओं को पुलिस लाइन में रखा गया है। सपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि पूरे जिले में पुलिस किसान पदयात्रा रोकने के लिए सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। कई सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश जिस तरह से किसान परेशान है और आज किसानों के साथ तो अत्याचार हो रहा है और हमें लग रहा है कि हम आप और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारे आपका परिवार जो है किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान आज परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, नौजवान हो रहा है। मैं हम लोग यहाँ आज इसलिए बैठे हैं कि जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार इस गवर्नमेंट ने किया, जो काला कानून ये लेके आए, आज MSP से कम रेट पे आप समझ लीजिए कि जहाँ 1800 की बात हो रही है 900-700 रुपए क्विंटल में बेचना पड़ रहा है किसानों को अपना धान फसली फसलें, तब आप समझ लीजिए कि किसान आज परेशान है। उन्हीं की समस्याओं को लेकर आज हम लोग किसान यात्रा थी, उस किसान यात्रा में हम सारे लोग पार्टी कार्यालय से निकल रहे थे। पुलिस ने ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग किसान के पक्ष में, एक किसान के जो काले कानून ला दिए सरकार, जो काले कानून ला दिए किसान सरकार ला दी है, उसके हम लोग विरोध में। और ये सरकार छात्र विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, व्यापार विरोधी, हर तरह का गलत काम कर रही है। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।